सिस्टर क्या नाम है आपका? नितिका। कहाँ से आप? होशियारपुर से। इस बहन की गवाही है कि पिछले 16 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, दबाव बढ़ता था, दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था, इन्हें बहुत डर लगता था, हमेशा ही बहुत डरे डरे हमेशा ही रहते थे, और उन्हीं अटैक के कारण ये व्यभिचार में चले गए, गलत मूवीज़ देखते थे, बाहर गलत संबंध थे, ये चीज़ें इनकी लाइफ में डे बाय डे बढ़ती गई। और सिस्टर आप खुद बताएं कि ये अटैक जब बढ़े तो आपने फिर नशा करना शुरू कर दिया, और कौन कौन सा नशा करते थे आप? मैं सिगरेट पीती थी, शराब पीती थी, जो भी मेरे फ्रेंड्स लोग मेरे नशा करते थे उनके साथ मैं नशा करती थी, और मैं व्यभिचार में पड़ गई, और उसके बाद बाद मैं गलत मूवीज़ देखती थी, मेरे बाहर रिलेशनशिप्स होते थे, और ऐसे ही मैं जब नशे में पड़ गई, मैं बीमारियों में पड़ गई, अस्थमा के अटैक्स होते थे, बचपन से ही मुझे बीमार रहती थी, बीमारी में मेरा रहना, कभी ना कोई कोई ना कोई बीमार रहती थी, दुष्ट आत्मा के इतने अटैक होते थे, मुझे ऐसे सपनों में लगता था कि कोई मेरे साथ गलत रिलेशनशिप बना रहा है, अंधेरा डार्कनेस ही मुझे रात को दिखाई देती थी, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं कोई मेरे साथ चल रहा है, मेरे इतने मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मैं नहीं चल रही हूँ, कोई झुंड मेरे साथ चल रहा है, मतलब मुझे ऐसा। और ये डे बाय डे आपकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था? जी हाँ जी। एक दिन में कितना नशा कर लेते थे आप? मैं सिगरेट, मेरी जैसे ही मैं दिन की शुरुआत होती उठती थी तो मैं सिगरेट और ड्रिंक ये सब मेरी लाइफ का एक हिस्सा होता था, मैं उठती थी तो ये मुझे चाहिए होता था, इसके बिना मैं अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाती थी, मतलब मुझे ऐसे होता था कि नहीं ये मेरी लाइफ का एक जिसके बिना कोई सांस लेने के बिना कोई जी नहीं सकता, मुझे ऐसा था कि मैं इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। और इन्हीं अटैक के कारण आप बीमार रहना शुरू हुए, अस्थमे का रोग हो गया जी, और फिर इसी अटैक के कारण आपकी जॉब के ऊपर प्रभाव पड़ा, क्या जॉब करते थे, क्या असर पड़ा आपकी जॉब के ऊपर? दिल्ली एयरपोर्ट में जॉब करती थी क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी, क्योंकि बचपन से ही मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं थी, और मैं हमेशा मैंने रिजेक्शन को फेस किया था, जिस कारण मैं मतलब कुछ करना चाहती थी, मेरे अंदर था कि नहीं मैं कुछ करके दिखाऊंगी, इस कारण मैंने चंडीगढ़ में अपना डिप्लोमा किया, उसके बाद मैंने दिल्ली एयरपोर्ट में मेरी जॉब थी, मैं वहाँ पे जॉब करती थी एज अ ग्राउंड स्टाफ, तो अस्थमा के कारण क्योंकि दिल्ली वहाँ पे मुझे इधर उधर जाना पड़ता था, तो मुझे ऑफिस में भी वहाँ पे मुझे अस्थमा के अटैक्स हो जाते थे, और मैं रेगुलर नहीं रह पाती थी क्योंकि मैं बीमार रहती थी, और इस कारण मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मुझे वार्निंग भी मिलती थी कि आप क्यों नहीं आ पाते रेगुलर, बट उसके बाद जैसे ही मतलब मैं इस सब चीज़ों से निकलना चाहती थी क्योंकि मेरी लाइफ एक डार्कनेस थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी व्यभिचार में थी और मेरे बाद रिलेशनशिप्स थे, बट मुझे ऐसा तो था कि कोई मेरे साथ मतलब रहे, कोई मुझे समझे, बट किसी ने नहीं मुझे समझा क्योंकि बचपन से नॉर्मल लाइफ नहीं थी, ठीक है, बचपन से ही नॉर्मल लाइफ नहीं थी, ना कोई मेरे खुद के जो रिलेटिव्स थे वो हमारे घर पे नहीं आते थे, कोई पूछता नहीं था हालचाल, और मेरे डैड जो फॉरेन में रहते थे बचपन से, और गाइडेंस नहीं मिली थी कि लाइफ में क्या करना है, कैसे रहना है, और व्यभिचार क्या होता है, कोई गाइडनेस नहीं थी, जैसे क्योंकि मेरे मॉम डैड इतना उन्होंने क्योंकि ऑलरेडी हम इन चीज़ों में थे क्योंकि हमारी लाइफ में किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था, और मेरी पूरी फैमिली इस चीज़ों में थी, और दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे, हमारी फैमिली में ऐसा होता था कि कोई फलवंत कोई फ्रूटफुल चीज़ नहीं होती थी, पूरी लाइफ मतलब आपकी बिल्कुल आपकी डिस्टर्ब हो चुकी थी, पूरी लाइफ डिस्टर्ब थी, बचपन से नॉर्मल लाइफ नहीं थी, सबसे मैं घर से बड़ी थी और मैं ही इन चीज़ों में थी, और मेरे दो सिबलिंग्स हैं, मेरी बहन और मेरे भाई छोटे, और वो मुझे देख के ही ऐसा मतलब क्योंकि मेरे घर में मेरे कारण परेशानियां ही होती थी क्योंकि मैं ऐसी ही होती थी वह विचार में हूँ। इस तरह आप बीमार रहने लगे? मैं बीमार रहती थी, हर बीमार इतने ज्यादा थे कि सांस इतनी ज्यादा चढ़ती थी कि आप बिल्कुल चल भी नहीं पाते थे। मैं चल नहीं पाती थी, जब मैं एकदम चलती मेरी सांस मेरे चेस्ट में ऐसे ब्लॉकेज रहती थी, मुझे पंप यूज करना पड़ता था, और मेरे मम्मा को मेरे साथ पूरी नाइट तक वो मेरे मसाज करते थे, वो मुझे स्टीम्स दिलाते थे, और क्योंकि मेरे फादर फॉरेन में थे और वो उन्होंने मेरा टेक केयर किया, क्योंकि कोई रिलेटिव जब हम प्रॉब्लम्स में थे तो कोई रिलेटिव कोई भी हमारा हाल चाल पूछने नहीं आता था। और इस तरह बहुत ज्यादा बीमार रहे, कितने डॉक्टरों के पास गए आप? मैं मैक्सिमम
बहुत डॉक्टर के पास गई, बट जो आज मुझे गिनती याद है 7-8 डॉक्टर्स के मैं पास गई हूँ। मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे अन्य जगह में भी लेके गए, मतलब वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे, बट मैं उनको कहती थी कि मतलब मुझे बचा लो नहीं तो मैं मर जाऊँगी, मुझे बचा लो नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ आसपास कितनी रूहें मेरे साथ हैं। ऐसे ही मैं दिल्ली में मैंने जॉब की दिल्ली में, वहाँ पे मैंने बहुत कुछ फेस किया, चंडीगढ़ में मैंने बहुत कुछ फेस किया। व्यभिचार में ऑलरेडी थी, मैं अपनी लाइफ को ऐसे बना चुकी थी कि जैसे एक मैंने अपनी लाइफ में, फिर मैंने ऐसा अपना लाइफस्टाइल किया, मैंने शॉर्ट्स डालने स्टार्ट किए, जैसा वर्ल्ड में होता है मैंने वैसा ही अपने आप को बना लिया कि इट्स ओके, लाइफ ऐसे ही है, लाइफस्टाइल यही है, कम कूल रहेंगे हम, ऐसे रहेंगे हम उससे ऐसे, मतलब कि जैसे ऐसे मेरी लाइफ थी। और एकदम से आप आपकी सुध-बुध बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, क्योंकि मैं इस बचपन से ही मुझे दुष्टात्मा के अटैक होते थे, और क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहती थी, जिस कारण मैंने नशों का सहारा लिया। व्यभिचार में थी, कोई मुझे मैं समझ नहीं पाती थी कि मुझे रास्ता कहाँ है, वेयर इज़ द वे, कौन सा मार्ग है कि जिसमें मैं जाऊँ, जिसमें मैं चल के अपनी मुझे मैं जी सकूँ, मेरे मुझे ऐसे अंदर से मुझे पीस मिले, शांति मिले। मैं ब्रोकन हो चुकी थी, पूरी ब्रोकन हो चुकी थी कि कोई मतलब जैसे फिर वर्ल्ड होता है, फिर मैंने वैसे ही अपना पहरावा बना लिया, अपने आप को वैसे ही मैंने अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसे करती गई। और क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट में मैं जॉब करती थी, वहाँ पे मैं अपने आप को वैसे ही करती गई, और जैसे जैसे मेरा टाइम ऐसे जाता गया, मैं डिप्रेशन में चली गई, मुझे पैनिक अटैक्स होने लग गए, मतलब कि मेरा कोई हाल चाल भी वहाँ पे पूछता था तो मैं कहती थी कि मेरा हाल मत पूछो, क्योंकि जब वो मेरा हाल चाल पूछते थे ऑटोमेटिक मेरे आंखों से आंसू निकल जाते थे कि मैं इतनी बचपन से ब्रोक हूँ कि कोई आके ऐसे भी नहीं बोल पाता कि हाँ हम आपको समझते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड यू, नोबडी, कोई भी नहीं था, रिलेटिव तक वो ऐसे उन्होंने, क्योंकि मैं अन्य जगह पे भी गई थी दुष्ट आत्मा के कारण, मेरे घर वालों ने मुझे अन्य जगह पे भी लेके गए, बट वहां पे भी मुझे रिजेक्शन मिली, क्योंकि जब मेरे ऊपर ऐसे खेल आती थी तो वो बोलते थे कि नहीं ये जस्ट हवा है, उन्होंने भी मुझे रिजेक्ट किया, उन्होंने भी इस चीज को ये चीजें बढ़ रही थी, और घंटों आप अकेले बैठे रहते थे, बालों को नोचना, यस मैं बालों को नोचती थी, इतने ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे, आपने सुसाइड करने की कोशिश की चार बार, क्योंकि मैं इस चीजों से ब्रदर निकलना चाहती थी, मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे इस चीज से निकाले। और उसके बाद मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, मेरे घर वालों ने अन्य जगह पर भी मुझे, कैसे आपने सुसाइड करने की कोशिश की? मैंने अपने आप को 2 बार अपने आप का मेरा गला दबाने की कोशिश की, और उसके बाद मैंने अपनी नस भी काटी, और उसके बाद क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतनी दवाइयाँ होती थी, और उस जब मैंने क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्योंकि अस्थमा और भी चीज़ें थी, तो उससे मैंने हैवी डोज मेडिसिन की ली, और मैंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की कि इससे अच्छा मरना ही सही है। उस समय कंडीशन ऐसी थी कि आप चाहते थे इस लाइफ को मैं ख़त्म ही कर दूँ। यस, पूरी तरह लाइफ ख़त्म हो चुकी थी। फिर चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला? मुझे यूट्यूब के द्वारा मुझे चर्च से पता लगा, मैंने अपोस्टल जी की प्रीचिंग को सुना, और यहाँ पे 1 आवर प्रेयर होती थी, वहाँ पे वो बता रहे थे परमेश्वर के वचनों को बता रहे थे, और वहाँ पे मुझे वचन मिला। उसके बाद मुझे जब अपोस्टल जी के वचनों को मुझे वचनों को अपोस्टल जी के से द्वारा मैंने रिसीव किया, उसके बाद और डे बाय डे आप चर्च के साथ जुड़ गए, लगातार चर्च आते रहे, लगातार 17 दिसंबर 2017 को ये बहन चर्च में थे, और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। अपने हाथों उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हर एक शैतान दी साजिश मेरी सेहत के खिलाफ, मेरी लाइफ के खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ, हर एक जादू टूने दी आत्मा
जड़ी मेरी प्रोग्रेस के खिलाफ खड़ी है, मैनू चमकन तो रोक दिए। बोलो अग दे परमेश्वर, तेरी अग इस जगह दे उते मेरे उते उतरे और वो आत्मा नाशन। बोलो फायर, बोलो अग उतरे। और आप उस दिन चर्च में मौजूद थे जब प्रार्थना हुई, क्या हुआ प्रार्थना को रिसीव करते समय? मुझे ऐसे लगा जैसे जैसे उन्होंने, जैसे अपोस्टल जी ने फायर की, दुष्ट आत्मा को कमांड किया, जादू टोने को कमांड किया, मुझे मेरे अंदर से ऐसा लगा कोई जानवर निकल रहा है। सब सब तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन, क्योंकि ये अद्भुत था। परमेश्वर जो विश्वास के साथ, ईमान के साथ उसकी हजूरी में आते हैं, खुदावंद उन्हें फ्री करते हैं। प्रार्थना को रिसीव किया, वर्ड को रिसीव करते समय आपको ऐसा लगा कि जैसे आपके अंदर से बहुत बड़ा जानवर, कोई जानवर निकल रहा है मेरे अंदर से, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे अंदर से मेरे को साफ कर रहा है, खींच खींच के मेरे अंदर से कुछ निकाल रहा है, क्योंकि मैं उस व्यभिचार से मैं छूट नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे इस चीज से छुड़ा दे, पर जैसे ही मैं यहाँ पे अंकुर नर्मनिस्टिस के द्वारा मैंने परमेश्वर को जाना, यीशु मसीह को जाना, मुझे अनंत जीवन मिला। मैं व्यभिचार से छूटी, नशों से मैं आजाद हुई। मेरे अंदर से एक जानवर निकला जो मुझे व्यभिचार करवाता था, जो मुझे नशे करवाता था। और उसी दिन वोमिटिंग आई, बॉडी एकदम से हल्की हो गई आपकी, बॉडी हल्की हो गई। मुझे ऐसे लगा कि परमेश्वर के ब्लड से मैं कवर हो गई हूँ, परमेश्वर के होली फायर से मैं कवर हो गई हूँ। और मुझे मेरी लाइफ को ऐसे मैं चलती गई, और ऐसे और जब मैं दिल्ली भी होती थी, फिर भी मैं यूट्यूब के द्वारा मैंने सुनना, और जब यहाँ पे भी आती थी, अपने अपने होम टाउन में भी आती थी, तब भी मैंने यहाँ पे आना। मैंने उसके बाद मैं सच बता रही हूँ, सब सब तारीफ करें, खड़े हो जाएं अपने अपनी जगह पर, सब परमेश्वर की महिमा के लिए। हाथों को उठाएं, होठों को खोले, जय जयकार करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। क्योंकि वो अद्भुत है, आपकी जिंदगी कैसी भी क्यों ना हो, उसने वायदा किया है मैं अपने ब्लड से धोके तुझे साफ करूंगा, बर्फ के माने सफेद। इनके जीवन बिल्कुल खराब हो चुका था, पाप में था, पूरी तरह टूट चुके थे, पर जब खुदा की हजूरी में प्रार्थना को ग्रहण किया, परमेश्वर ने छुआ, जिंदगी को बदल के रख दिया खुदा ने। और आपने उस दिन के बाद परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया? Yes, मैंने अपना परमेश्वर को जीवन दे दिया, मैंने बैप्टिज्म ले लिया, और मुझे पता चला कि परमेश्वर क्या है, यीशु मसीह क्या है। और जब मैंने अपोस्टल जी के द्वारा वचनों को सुना, और जब मैं मुझे उनकी कुर्बानी के बारे में पता चला, मुझे ऐसा लगा कि सच में कोई मेरे पापी के कारण कोई मर सकता है क्या? उस तारीफ करें, खाने से मुझे शिफा मिल सकती है क्या? सच में उसका लहू मुझे आजाद कर सकता है? सच में उसके लहू ने मुझे आजाद किया है, क्योंकि सच है ये वचन कहता है, उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, उसने अपनी जान दे के हमारी जान की कीमत अदा की है।